अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैज अली और मेरी प्यारी सी जिम्मी एक बार फिर से आप सभी का हनी मेरा बनी चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी जो टिम्मी है, ये पता ही आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ये उचक फान करती है, शरारत करती है। तो आज ये बहुत ऊंचाई से कूद गई, मतलब बहुत ऊंचाई से, मतलब है कि 6-7 फीट से ये ऊपर से नीचे कूद गई और गिर गई है, जिससे इसके पैर में, ये जो पीछे का पैर है, इसमें चोट आ गई है। तो इस वजह से ये सही से चल भी नहीं पा रही है। तो आज हम लोगों ने सोचा इसका ट्रीटमेंट तो करना ही है, तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए और अगर आपके रैबिट के ऐसा हो गया है तो क्या सावधानियां करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली होगी, तो एंड तक देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी टिम्मी काफ़ी चुप चुप बैठी हुई है क्योंकि इसके ये वाले पैर में जो है चोट लगी हुई है। और रैबिट कभी भी एक जगह पर नहीं बैठते, जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है जब ही वो बैठते हैं। तो अगर आपका रैबिट भी ऐसे सुस्त बैठा है तो आप ज़रूर से चेक कर लें, आपका रैबिट अगर चलने में एक टांग को इसी भी उठा के चल रहा है। देखिए जैसे टिम्मी अभी चली एक टांग उठा के, तो अगर ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है। शायद उसकी हड्डी जो होती है वो मतलब अपनी जगह से हट गई है या टूट गई है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, या नॉर्मल कोई दर्द भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई वेट नहीं है तो आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं। चलिए रेमेडी देख लेते हैं कैसी है। तो देखिए दोस्तों, रेमेडी बहुत ही आसान है। आपको कोई भी तेल जो आपके घर में यूज़ होता है, वैसे सरसों का तेल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, रिफाइंड तेल आप मत लीजिएगा, वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ये जो है ये सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें हम लोगों को, जैसे ये एक चुटकी आप देख पा रहे होंगे, हल्दी टर्मरिक पाउडर इसके अंदर हमें मिला देना है इस तरीके से कुछ, और उंगली से अपने पूरा इसको मिला देना है। और मिलाने के बाद क्या करना है, हमें इसको गर्म करना है, यानी तेल जो है उसको हल्का गुनगुना कर लेना है, पूरा खौलाना नहीं है। फिर उसके बाद चलिए दिखाते हैं। ये जो आप लोगों को रेड रेड दिख रहा है, ये हल्दी डाली थी वो लाल हो गई है, और अभी ये थोड़ा सा गर्म था तो इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। आप भी ऐसे ही ठंडा कर लें। अब ये हमारा तेल इस वक्त ठंडा हो चुका है, तो चलिए लगा के दिखाते हैं टिम्मी के। तो सबसे पहले अपने रैबिट को आपको रिलैक्स करना है ताकि वो इधर उधर भागे ना और सही से लग जाए। तो ऐसे आप लिटा दें और अपने रैबिट के सर पे धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करें। कम से कम 1-2 मिनट आप मसाज करें। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हल्के हाथों से दो लोग अगर पकड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक पकड़ लें आराम से और एक लगा दें। तो हमारी टिम्मी अभी देखिए रिलैक्स हो चुकी है, तो अब तेल लगाते हैं। ये जो इसका, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया भी है इसके, तो यहाँ पर हमको लगाना है। ये पूरा जो इसका पैर है, पूरी जितनी भी बोन है, हड्डी है, सब पे लगाना है हम लोगों को। तो इस तरीके से आराम से लगाना है, हल्के हल्के हाथों से, और मसाज आपको 5 मिनट तक आप कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका रैबिट वाइट कलर का है तो देखिए, ये हल्दी है तो इससे आपका रैबिट येलो कलर का हो सकता है। हाँ, उसके जितने भी फर हैं वो येलो हो जाएंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। और मतलब कि अगर आपको ठीक करना है अपने रैबिट को, तो फर का क्या है, वो तो एक बार येलो होंगे, फिर जब झड़ के दूसरे निकलेंगे तो फिर से वाइट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो रैबिट है वो तो सही हो जाएगा। तो चलिए अच्छे तरीके से मालिश कर लेते हैं। बहुत आराम से करनी है आपको मालिश, और जो ये पैरों के नीचे का एरिया होता है इसमें भी आपको करने, हर जगह, मतलब कहीं पर भी जॉइंट जो है उसकी हड्डी का खाली नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऑयल लगा चुके हैं पैर में, अच्छी तरीके से मसाज कर लिए 2-3 मिनट। तो अब जो है आपको एक ये ऐसा कोई भी सूती कपड़ा ले लें, अगर पट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, इमरजेंसी है, रात का टाइम है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कोई भी साफ कपड़ा जो साफ हो, जिससे इन्फेक्शन ना हो। तो ये कपड़ा साफ है तो इसको फिर पट्टी हम लोगों को करनी है। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑयल लगा चुके हैं
तो अब बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पट्टी इसकी करनी है, और ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी है जिससे हमारे रैबिट को कोई दिक्कत ना हो। खाली हमें गर्माहट देनी है और जितना हो सके ऐसी जगह पर रखें, अगर आपके पास ज़्यादा रैबिट्स हैं तो आप उनके साथ ना रखें, इस रैबिट को अलग रख लें थोड़ी देर के लिए, या चाहें तो मतलब केज में भी रख सकते हैं। वैसे केज हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जब चोट लगी है तो जितना कम चलेगी उतना जल्दी इसकी हड्डी सही होगी, तो इसके लिए आप थोड़े दिन एक दो दिन तो केज में रख लें, और उस प्रॉपर उसका डाइट का खाने पीने का ख्याल रखें, और इस तरीके से पट्टी करते रहें। एक पट्टी एक दिन लगाएं, फिर दूसरे दिन लगाएं, ऐसे ही दो तीन दिन करेंगे तो आपकी रैबिट जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी जल्दी। ये देखिए हम लोग, देखिए इतना आराम से करने पर भी हमारी टिम्मी वो हो रही है, जबकि काफ़ी ज़्यादा समझदार है। तो ऐसे ही रैबिट्स करते ही हैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत तो होगी, हम चाहे जितना बचा लें, लेकिन इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सही से पट्टी बंधे और उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी टिम्मी की पट्टी बंधी हुई है और उसको काफ़ी उलझन हो रही है। तो ऐसे ही सारे रैबिट्स को थोड़ी बहुत उलझन होगी, तो इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप इनको फूड दें। और ये देखिए हम गेहूं यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं, वैसे गेहूं नहीं दे सकते हम अपने रैबिट्स को, लेकिन क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो एज़ अ मेडिसिन, अभी क्योंकि चोट लगी है खरगोश के हमारे, तो उसको जितना हो सके गर्म फूड हमें देना है। आप धनिया पत्ती भी दे सकते हैं और पुदीना भी दे सकते हैं थोड़े कम अमाउंट में, लेकिन अगर आपके पास मतलब नहीं अवेलेबल है, जैसे अभी रात का टाइम है, तो आप मेरी तरह गेहूं भी दे सकते हैं। और ये देखिए हमारी टिम्मी गेहूं खा रही है, और भूल गई थी, लेकिन ये देखिए याद आ गया है उसको, और वो कैसे हटा रही है, फेंक रही है। अभी उसको ये पट्टी को खोलना है, देखिए कैसे भागी है वो। तो जैसा कि हमने कहा था कि अपने रैबिट को आप दूसरे रैबिट से अलग रखें, और ऐसी जगह पर रखें जहाँ वो ज़्यादा चल ना पाए, तो केज से अच्छा हमें ये बास्केट लगी, क्योंकि केज लोहे का होता है, उसमें चोट लगने की दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं किसी भी जगह, और ऐसे आपको बस बास्केट के अंदर अपने रैबिट को डाल देना है और कुछ नहीं। फिर ऐसे जो भी पानी का कटोरा है और उनका खाना है वो सब इसके अंदर रख देना है, और इसको अच्छे से ढक देना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं रात के टाइम, दिन भर आप चाहे ओपन रखें, लेकिन रात में आप ऐसे रख सकते हैं, और उसके ऊपर कोई कंबल वगैरह, जैसे ये कंबल है, ये सब आप लोग डाल सकते हैं, जिससे आपके रैबिट को कोई भी दिक्कत ना हो, और सुबह फिर आप उसे ओपन कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए हमारी टिम्मी, वो हमारी डेजी कितनी बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह से, और ये भी वीडियो में आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में प्यारी प्यारी कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हमारी टिम्मी जो है उसके लिए आप लोगों को दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो फिर मिलेंगे अगली किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने पेट्स का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।